Good morning students. Today we are going to start with energy, okay? Today we'll start the topic energy, okay? So let us start. We were doing chapter work and energy. And today we are going to study about energy. Now let us talk about energy, okay? If we will talk about energy, देखिए energy आप day to day life में use करते ही often use करते हैं आप ये word. But अगर हम science की term में energy की बात करें तो इसको हम एक specific terms में बात करेंगे इसके लिए, ठीक है? तो उसको हम energy को समझने के लिए कुछ examples लेते हैं. First of all हम ले रहे हैं कि हमारे पास एक cricket ball है, ठीक है? और हमारे पास wicket है. अब देखिए अगर cricket ball आपकी जो है, ये आपकी wicket जो है stationary है और cricket ball जो है आपकी वो फास्ट आ रही है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी क्रिकेट बॉल वो फास्ट मूविंग बॉल अगर आपके विकेट के ऊपर लग जाती है तो विकेट क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी दूर दूर. तो क्या होगा, फर्स्ट एग्जांपल इज फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट. अगर फास्ट मूविंग बॉल आपकी स्टेशनरी विकेट को हिट कर जाती है तो आपके विकेट क्या हो जाएंगी, थ्रोन अवे हो जाएंगी. सिमिलरली व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप सर्टेन हाइट पे ले जाते हो तो उसमें क्या आती है, इट्स गेट्स द केपेबिलिटी टू डू वर्क. ऑब्वियस सी बात है, वर्क अगर आपने किसी चीज़ को सर्टेन ग्राउंड से हाइट पे ले जाना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? सिमिलरली लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल, रेज हैमर फॉल ऑन अ नेल. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर देखिए आपकी ये बॉल है इसके अंदर आपको नेल को ड्राइव करना है, अंदर को गाड़ना है नेल को, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, हैमर को एक सर्टन हाइट तक उठाएंगे, उसके बाद उसको उस नेल के ऊपर क्या करेंगे, हिट करेंगे. तो नेल क्या हो जाएगी, आपकी वॉल के अंदर ड्राइव हो जाएगी, ठीक है? तो सिमिलरली यहाँ पर एग्जांपल दिया है, रेज हैमर फॉल ऑन द नेल प्लेस्ड ऑन द वुड, इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वुड. तो क्या करेगा, अगर हम रेज हैमर को मार रहे हैं आपके नेल के ऊपर तो वो वुड के अंदर ड्राइव हो जाएगा, अंदर चला जाएगा. वैसे ही अगर हम एक बलून लेते हैं उसके अंदर एयर फिल्ड है, ठीक है? अगर बलून के अंदर एयर फिल्ड है, अगर आप उसको जेंटली प्रेस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप उसको जेंटली प्रेस करेंगे तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ओके? लेकिन अगर हम उसी बलून को अगर जेंटली लीव कर देते हैं तो उसकी ओरिजिनल शेप में वो वापस आ जाएगा, ठीक है? अगर उसी बलून को मैं क्या करूं, उसके ऊपर हार्ड प्रेस करूं, ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगा दूं, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, एक्सप्लोड कर जाएगा, वो बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है? तो देखिए सेम ही बलून है लेकिन देखिए हमने किस किस तरह से उसके ऊपर अपना क्या अप्लाई किया हुआ है, फोर्स अप्लाई किया हुआ है. तो कहते हैं व्हेन अ बलून इज़ फिल्ड विद एयर एंड वी प्रेस इट, अगर हम उसको प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसकी शेप में चेंज हो रहा है. ऑब्वियस सी बात है हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो उसकी शेप में क्या आ जा रहा है, चेंज आ जा रहा है. वी आर प्रेसिंग जेंटली तो वो वापस अपनी ओरिजिनल प्लेस पे वापस आ जाता है. वी अगर हम उसको प्रेस हार्ड करते हैं तो क्या हो जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है. अब इतने सारे एग्जांपल्स हमने देखे, हमने क्या देखा कि द ऑब्जेक्ट एक्वायर थ्रू डिफरेंट मीन्स द केपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. अब हो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ पर वर्क हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है अगर उसके ऊपर हम वर्क करते हैं, ठीक है ना, एन ऑब्जेक्ट हैविंग द केपेबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास जो है केपेबिलिटी है वर्क करने की तो उसको ही हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है. तो ऑब्जेक्ट हैविंग अ केपेबिलिटी टू डू वर्क इट इज़ सेड टू पोजेस एनर्जी, तो उसमें क्या है, आपकी एनर्जी है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट विच डज वर्क, जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है उसे तो वो अपनी एनर्जी तो लूज़ करेगा लेकिन जिसके ऊपर काम कर रहा है वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, ठीक है? सपोज़ इफ़ वी आर टेकिंग द केस ऑफ बलून, हम क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हैविंग द केपेबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट उस बलून के ऊपर काम कर रहा है. सपोज़ आई एम ऑब्जेक्ट, आई एम डूइंग वर्क ऑन द बलून, तो मैं जो हूँ मैं उस बलून पे काम कर रही हूँ, यानी पास मेरे पास क्या है, केपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क,
ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट पोजेस करेगा आपका एनर्जी. तो एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी. तो उस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, एनर्जी है. ठीक है, तो एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो कैपेबिलिटी कर रहा हो काम करने की, उसे हम कहते हैं एनर्जी. अब जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है वो क्या करता है, अगर मैं बैलून के ऊपर जो है प्रेशर लगा रही हूँ, ठीक है, मैं उसको सॉरी प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं बलून को प्रेस कर रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं अपनी एनर्जी क्या कर रही हूँ, बलून के ऊपर लूज कर रही हूँ. लेकिन जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ, बलून के ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ, तो बलून क्या हो रहा है, बलून एनर्जी गेन कर रहा है. ओके, तो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इट इज़ सेड टू पोजेस एनर्जी. ओके, और यू कैन से कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज energy. Okay, now let us discuss how an object with energy does work. ठीक है, तो अगर किसी object के पास energy है तो वो काम कैसे करता है, तो इस तरह से काम करता है. देखिए, अगर आपका object है उसमें है energy, तो वो energy किसके through exert कर देगा, force के through exert कर देगा, किसी दूसरे object पे. ठीक है, suppose we are having two object, तो एक object क्या करेगा, अपनी energy दूसरे object को transfer करता है, किसके through, फोर्स के थ्रू. वो फोर्स एग्जर्ट कर देगा दूसरे पर, तो क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई. फर्स्ट वाले केस से कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, सेकंड वाले केस में ट्रांसफ़र हो गई. ओके, तो एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम फॉर्मर टू द लेटर. अब वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, अब जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है उस एनर्जी को लेगा और कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा. ठीक है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव एनर्जी, वो मूव करेगा. ठीक है ना, और क्या करेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा. ऑब्वियस सी बात है, क्या हुआ कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड ऑब्जेक्ट को एनर्जी दी, तो अपनी एनर्जी तो उसने ट्रांसफ़र कर दी, किसको ट्रांसफ़र की, दूसरे ऑब्जेक्ट को. तो दूसरा ऑब्जेक्ट का क्या करेगा, उस एनर्जी को रिसीव करेगा और कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा. तो ये है कि अगर आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ वर्क तो कर रहा है. तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी होती है वो काम कर सकता है. एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ पोजेसिंग एनर्जी कैन डू वर्क. ठीक है, नाउ लेट अस डिफाइन कि व्हाट इज़ एनर्जी. तो कहते हैं एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, तो आप एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट जो पोजेस करता है उसे कैसे मेजर कर सकते हैं, उसे आप मेजर कर सकते हैं कि उसकी कितनी कैपेसिटी है काम करने की. ओके, तो वही आपका एनर्जी होता है. तो हम कहते हैं कि जितनी भी एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट पोजेस कर रहा है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि उसके पास कितनी कैपेसिटी है कोई भी काम करने की, उसे हम कहते हैं आपकी एनर्जी. The energy possessed by an object is thus measured in term of its capacity of doing work. तो इसका मतलब ये है कि जो energy की आपकी SI unit है वो same as your work है. ठीक है, तो जो SI unit है energy की is same as that of work. तो work की SI unit हमने क्या किया था, जूल है, तो वैसे ही आपकी energy की SI unit क्या है, इट इज़ जूल, डिनोटेड बाय जे. ओके, तो SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. क्या है आपकी SI यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल है. ओके, तो वी कैन राइट कि वन जूल, आपका वन जूल क्या है, वन जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वर्क ऑफ वन जूल, वर्क ऑफ वन जूल. ठीक है, तो किस तरह से आप लिख सकते हैं कि वन जूल जो है वो आपकी वो एनर्जी है जो रिक्वायर होती है हमें कितने काम करने के लिए, वन जूल वर्क डन के लिए. ओके, तो वन जूल इज़ द एनर्जी रिक्वायर टू डू वर्क ऑफ वन जूल. ओके, तो एनर्जी की हमारे पास लार्जर यूनिट भी होती है, उसे हम कहते हैं, उसको हम लिख सकते हैं वन किलो जूल. ठीक है, SI यूनिट तो हमारी जूल्स ही होती है, बट लार्जर यूनिट में हम किसको, ये आपकी लार्जर यूनिट है एनर्जी की, लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी, उसे हम डिफाइन करते हैं कैसे, वन जूल, किलो जूल से. और वन किलो जूल कितने जूल के इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू 1000 जूल्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ वी आर हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, उसमें हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ एनर्जी आती है, देखिए हमारे पास आती है मैकेनिकल एनर्जी,
मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, जिसमें हमारे पास आती है मैकेनिकल एनर्जी, वो एनर्जी होती है जिसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कंप्राइज होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी। हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी बनती है। इसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी भी आती है और आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी आती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी आपका सम होता है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। फिर आपके पास हीट एनर्जी आती है, फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है आपके पास, देन यू कैन से आपके पास केमिकल एनर्जी होती है। तो ये सारी की सारी हमारे पास एनर्जी होती है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी, जो आपका काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो हम आज यहाँ पर जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हमारे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में होंगे, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस काइनेटिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। दिस इज़ योर एनसीईआरटी एक्टिविटी मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है क्या, तो उसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें आपका यहाँ पर टेबल के ऊपर ये पूरा का पूरा सेट कर रखा है, ठीक है। ये आपकी ट्रॉली है और ये आपका क्या है, ब्लॉक है। यहाँ पर जो ये है, ये आपका जो है, ये एक पैन है जिसके अंदर जो है ये वेट रखा हुआ है, ओके। तो अब इसमें है क्या आपका, सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट सेटअप में क्या किया, प्लेस अ वुडन ब्लॉक ऑफ नोन मास इन फ्रंट ऑफ ट्रॉली एट अ कन्वीनियंट फिक्स डिस्टेंस। सबसे पहले हमने ट्रॉली, दिस इज ट्रॉली, ट्रॉली के आगे एक वुडन आपका ब्लॉक रख दिया। इनिशियली ब्लॉक जो है वो ये ब्लॉक यहाँ पर है इनिशियली, ठीक है। अभी इस ब्लॉक की पोजीशन यहाँ है, ठीक है। ये डॉटेड इसीलिए बनाया है, अभी आपको आगे एक्सपेरिमेंट में पता चल जाएगा जब हम पूरी की पूरी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो ये इनिशियली ब्लॉक जो है वो कन्वीनियंट डिस्टेंस पे हमने ट्रॉली से रखा हुआ है उसके फ्रंट में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है, प्लेस अ वुडन ब्लॉक ऑफ नोन मास इन फ्रंट ऑफ ट्रॉली एट अ कन्वीनियंट फिक्स्ड डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लेस अ नोन मास ऑन द पैन सो दैट ट्रॉली स्टार्ट मूविंग। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कन्वीनियंट डिस्टेंस पे हमने ब्लॉक रख दिया। अब सेकंड पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पैन में वेट डाल रहे हैं, ठीक है। हम इतना वेट डाल देते हैं ताकि आपका ये जो ट्रॉली है ये मूव करना स्टार्ट हो जाए। देखिए ये ट्रॉली इज़ कनेक्टेड विद दिस टू द पैन, तो पैन में जितना वेट डल रहा है उसके हिसाब से आपकी ट्रॉली जो है वो आगे को मूव करेगी। तो हम इतना वेट इसमें पुट कर देंगे कि वो आपकी आगे को मूव करना स्टार्ट, मूव करना शुरू हो जाए आपकी ट्रॉली। नंबर थर्ड पॉइंट, द ट्रॉली मूव फॉरवर्ड एंड हिट्स द वुडन ब्लॉक। अब ट्रॉली जो है ऑब्वियसली बात है, अगर हम वेट डालेंगे तो ट्रॉली आगे को मूव तो करेगी करेगी, तो वो ऑब्वियसली बात है ब्लॉक को हिट करेगी। तो ट्रॉली मूव, जैसे ही हम उसमें वेट डालते हैं ट्रॉली मूव करती है और वो इस ब्लॉक को क्या कर देती है, हिट कर देती है। द ट्रॉली मूव्स इन द फॉरवर्ड एंड हिट द वुडन ब्लॉक। फिक्स अ स्टॉप ऑन द टेबल इन सच अ मैनर दैट ट्रॉली स्टॉप आफ्टर हिटिंग द ब्लॉक गेट डिसप्लेस्ड, ठीक है। तो कहते हैं इस तरह से टेबल पे सेटअप करना है कि जैसे ही वो हिट करे ब्लॉक को, ट्रॉली तो रुक जाए आपकी, ठीक है। तो ट्रॉली उसी पोजीशन पे क्या हो जाए, रुक जाए, और ये जो ब्लॉक को उसने हिट किया है ये अपनी प्लेस से क्या कर जाता है, डिसप्लेस। तो ये ओरिजिनली ब्लॉक इस पोजीशन पे था, जैसे ही इस ट्रॉली ने इसको हिट किया तो इसकी पोजीशन चेंज होके कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, तो इसमें एक डिसप्लेसमेंट आ गया, ओके। तो फोर्थ पॉइंट में हमने क्या किया, इसको हिट किया और इसने डिसप्लेस कर दिया। नेक्स्ट, नोट डिसप्लेसमेंट, दिस मीन्स वर्क इज़ डन ऑन द ब्लॉक बाय द ट्रॉली। ऑब्वियस सी बात है, हम डिसप्लेसमेंट नोट करेंगे कि पहले ओरिजिनली ब्लॉक यहाँ था, यहाँ से वो यहाँ चला गया, तो कितनी डिसप्लेसमेंट हो गई, तो डिसप्लेसमेंट को हम नोट करेंगे। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है, काम कर रहा है। ओरिजिनली आपका ब्लॉक यहाँ था फिर वो वहाँ चला गया, तो दिस मीन्स ब्लॉक के ऊपर काम हुआ है, ब्लॉक के ऊपर वर्क डन हुआ है। लेकिन वर्क डन किया किसने है, इस ट्रॉली ने किया है, क्योंकि इस ट्रॉली ने क्या किया है, इस ट्रॉली ने
अपनी जो एनर्जी थी वो किसे इम्पार्ट कर दी है, वो ब्लॉक को दे दी है, ठीक है। तो एज बाय ट्रॉली एज ब्लॉक हैज़ गेन द एनर्जी, ओके। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, ओरिजिनली हमने क्या रखा, एक हमने ट्रॉली ली, उसके आगे हमने एक ब्लॉक रखा, ठीक है। तो हम पैन में वेट डाल रहे हैं, वेट के हिसाब से आपकी ट्रॉली मूव कर रही है, वो हिट कर रही है, और ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम नोट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात है कि यहाँ पर ये जो एनर्जी ये ब्लॉक के पास आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ऑब्वियस सी बात है उसे कौन दे रहा है, ये ट्रॉली, जो ट्रॉली है अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है इस ब्लॉक को, ठीक है। तो यही केस आपने डिफरेंट डिफरेंट केसेस में करके देखना है, ठीक है। आप अलग अलग से डिफरेंट डिफरेंट पैन में वेट डाल सकते हैं, उसके हिसाब से आप डिस्प्लेसमेंट नोट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है अगर आप ज़्यादा वेट डालेंगे तो वो ज़्यादा फोर्स के साथ इसे हिट करेगा, ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी गेन करेगा आपका ब्लॉक, तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा ब्लॉक में। बात समझ में आई, कहने का मतलब है जिस हिसाब से आप वेट डालेंगे उस हिसाब से आपका ब्लॉक जो होगा उतने ही एनर्जी से वो इसको हिट करेगा, इसको उतना ही ज़्यादा फोर्स इम्पार्ट करेगा, और जो ये आपका ब्लॉक है उतना ही आगे एनर्जी इसको गेन होगी और उतना ही उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। मतलब वेट जितना इंक्रीज होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब इससे पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या समझ आता है, इससे पूरे एक्सपेरिमेंट से ये समझ आता है कि देखिए जो आपकी मूविंग ट्रॉली है वो काम कर रही है, ठीक है ना, ये मूविंग ट्रॉली, ट्रॉली तो मूव कर रही है, तो इसका मतलब है द मूविंग ट्रॉली डज वर्क, तो कौन काम कर रहा है, वर्क इज डन बाय द ट्रॉली, ठीक है। इसका मतलब ट्रॉली में क्या है, ट्रॉली में आपकी एनर्जी है, एंड हेंस इट पोजेसेस एनर्जी, ओके। तो ये इसमें क्या है आपकी एनर्जी, ये आप एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, तो यहाँ पर ट्रॉली किस में थी आपकी, मोशन में थी, ठीक है, इसका मतलब मूव कर रही थी वो, तो मूविंग ट्रॉली क्या करती है, वर्क करती है, एंड इट पोजेसेस एनर्जी, तो मूविंग ट्रॉली क्या पोजेस करती है आपकी, एनर्जी। अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर डज मोर वर्क देन द आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। तो अब इसमें क्या दिया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो वर्क करेगा, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, वर्क करता है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है जितना ज़्यादा फास्टर मूव करेगा उतना ज़्यादा वो काम करता है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फास्टर मूव करता है उतना ज़्यादा काम करेगा। वैसा ही कोई आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के आपके पास है, अगर वो स्लो मूव कर रहा है तो वो आपका जो वर्क डन होगा उस केस में वो लेस होगा, ओके। तो यानी जो ऑब्जेक्ट जितना फास्ट मूव कर रहा है वो उतना ही ज़्यादा वर्क डन कर रहा है, ओके। तो ये जो था इसको, इससे हमने यही एक्सप्लेन किया कि देखिए कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो आपका वर्क डन करता है, ओके। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं उनमें एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऑब्जेक्ट्स In motion possess energy and this energy is known as kinetic energy ठीक है। तो इसका मतलब है जो भी आपके ऑब्जेक्ट जिनमें मोशन होता है उनमें एनर्जी होती है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है जो मोशन में है वो आपका एनर्जी पोजेस करता है, और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ओके। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है, जो किसकी वजह से आती है, उसकी मोशन की वजह से आती है। और जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कब बढ़ती है, जब उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपने कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी, यानी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी पोजेस करता है जब
किसकी वजह से, जब वो किस में होता है, मोशन में होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी तब इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन इट्स स्पीड, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं फॉलिंग कोकोनट स्पीडिंग कार, रोलिंग स्टोन, एटसेट्रा, ओके। तो यू कैन गिव दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट एनी वेयर, लीव द कमेंट बिलो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।